आज मैंने चूल्हे का जुगाड़ किया और बना डाली भुनी हुई कलेजी। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ और जल्दी से इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है कलेजी, आधा किलो है ये, और इसके काफ़ी बड़े पीस थे, मैंने इसको छोटे कर लिए और इसे अच्छे से धो लिया। जाएंगे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ लहसुन, अदरक, आधा नींबू का रस, नमक, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च, घर का बना हुआ गरम मसाला, और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाला जो है ना, ये सारी जितनी भी कलेजी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब हमने इसको सीक में डालना है। लेकिन सीक में डालने से पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास कुछ स्टिक्स, तो मैं इसमें लगा लूँगी ये कलेजी को। तो मेरे पास 5 से 6 स्टिक्स हैं, तो मैंने इसमें कलेजी को अच्छे से डाल लेना है। और अगर कलेजी का पीस इसके अंदर नहीं जाता है तो थोड़ा हल्का सा घुमाना है और अंदर डाल देना है, और बस ये चूल्हे पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ना, वो भी अच्छी अच्छी डिशेज़ देखने के लिए। तो ये देखिए, मैंने सारी स्टिक्स में ये लगा ली है, और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो ये मैंने चूल्हा बनाया है एक तसले के अंदर, जिसको मैं कहीं पे भी लेके आराम से इसको घूम सकती हूँ। घूमने का मतलब घर में कहीं पे भी लेके आराम से इसको बैठ के बना सकती हूँ। तो मेरा छत पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो इसको मैंने एक किनारे पर रख के जहाँ पर छाँव थी उसमें कोयला सुलगा दिया। और बस देखिए, कोयले की आँच में ये धीरे धीरे जब पकेगा ना, तो इसका फ्लेवर एकदम से उभर के आएगा। तो काफ़ी टाइम ये लेने वाला है, तकरीबन ये 1 घंटा लेगा, पूरा 1 घंटा लेगा, बहुत धीरे धीरे से होने में। तो जो मैंने इसमें ऑयल लगाया था ना, उसकी वजह से जब वो नीचे धीरे धीरे टपक रहा है ना, ये पकती जा रही है, तो नीचे थोड़ा सा इसका जूस भी गिरता जा रहा है, उसकी वजह से इसने आग भी पकड़ ली है। और मैंने कुछ इसमें लकड़ियाँ भी डाल दी हैं, जिससे कि हल्की सी आग लगी रहे और ये हल्के से धीरे धीरे जो अंगारे हैं ना वो कम ना पड़ जाएं, इसीलिए मैंने धीरे धीरे इसको सुलगाते रहना है। और ये देखिए, ये बनके तैयार हो चुकी है। 1 घंटा लग गया मुझे इसको बनाने के लिए, और स्टोर से मुझे मिल गई एक दफ्ती टाइप की, तो मैंने उसको जैसे भुट्टा बुनते टाइम या कलेजी बुनते टाइम लोग ऐसे हाँकते हैं ना, तो नीचे के जो अंगारे हैं वो अच्छे से सुलगते हैं, जिससे कि अच्छे से जो ऊपर चीज़ लगी होती है वो पक जाती है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुकी है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है ये एकदम धीरे धीरे आँच में। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से लगा सकते हैं मक्खन वगैरह या देसी घी वगैरह, और हरी हरी चटनी के साथ इसे खाइए, ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसे हमने एक बार चेक कर लेना है कि ये पकी है कि नहीं। तो बिल्कुल ये पक चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुकी है ये। तो इसे खाइए, इंजॉय कीजिए, हरी चटनी के साथ खाइए तो बहुत मज़ा आता है। और गरम गरम कलेजी के साथ अगर आइसक्रीम मिल जाए तो क्या बात है। तो मैंने ये आइसक्रीम बनाई है अंगूर की, तो आजकल अंगूर का तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसे आप ट्राई कीजिए, इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है।